हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि पलवल जिले में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अपने ब्लॉक में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की प्राइवेट बुक्स नहीं लगाएं। स्कूलों में काफी किताबों की बिक्री पर बंदी है। स्कूलों में कैंटीन शॉप चलाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। स्कूलों में बुक्स वर्दी की दुकान चलाने वाले स्कूलों पर कार्यवाही करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल की तरफ अभिभावकों पर कॉपी किताब वर्दी खरीदने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। अभिभावक बाहर से कॉपी किताब खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। यही स्कूल प्रबंधकों द्वारा अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दे सकते हैं। शिकायत के आधार पर स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हमने अपने पलवल जिले में सभी चारों खंड अधिकारियों को, खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि वो अपने ब्लॉक में किसी भी स्कूल में, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, कि किसी भी प्रकार की प्राइवेट बुक्स ना लगाएं, जिसमें CBSE के स्कूल्स को तो CBSE की तरफ से केवल बुक्स की परमिशन है, बाकी और किसी तरह की शॉप चलाने की इजाज़त नहीं है, ना हम चलने देंगे। तो हम इस पर पूरी तरह से अपने टीम बना ली है और इसके साथ साथ जो किसी भी प्रकार की दुकान स्कूल में नहीं चला दी जाएगी। अभिभावक कहीं से भी, बाहर से भी अपनी किताबें खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी तरह से कोई स्कूल प्रेशराइज करता है तो मेरी अभिभावकों से अपील है कि वो हमें शिकायत दें, हम उस स्कूल के खिलाफ 100% कार्रवाई करेंगे।